आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है जिसकी तारीख भी लगभग निर्धारित कर दी गई है और वो है 25 यानी कुछ दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार 25 मार्च को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में काबिज होने के लिए शपथ ग्रहण समारोह के जरिए शपथ लेगी। 37 साल का मिथक बीजेपी ने तोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे और उसके लिए जो तैयारियां हैं, उसके लिए जो खाका है, वो भी लगभग तैयार किया जा रहा है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कई सारे संघ के बड़े नेता इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर हैं, इसके अलावा सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उनको पहले से ही हिदायत दी जा चुकी है कि आप लोग इसकी पूरी बेहतर तरीके से तैयारी करिए ताकि ये कार्यक्रम सही, अच्छा और भव्य हो सके। इसके साथ ही ये भी तैयारियां करी जा रही हैं कि कैसे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाना है। बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम में अलग अलग जिलों के जो लाभार्थी हैं, प्रदेश सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए युवा, महिला, बेरोजगार, इन सबको भी इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा और उनको इस पूरे कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी और उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर उन्हें सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिला और कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनसे वो सरकार से लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम में कई सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी बुलाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें साहित्यकार हैं, जिसमें कई सारे बड़े हस्तियां हैं, वो भी शामिल होंगी। लेकिन इन सबके बीच में अगर माथे पर पसीना लाने वाला सवाल है तो वो ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश के इस दूसरे कार्यकाल में बीजेपी के कौन मंत्री बनने वाला है, कौन डिप्टी सीएम बनने वाला है, इस पर चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। किसको इनाम दिया जाएगा, कुछ लोग हारे हैं, उनकी जगह कैसे भरी जाएगी, इन सब पर विचार विमर्श, चर्चा जो है वो सबसे ज्यादा तेज चल रही है। बताया जा रहा है कि लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ में बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है, अंतिम रूप देने में लोग लगे हुए हैं, नेता लगे हुए हैं और लगभग लिस्ट भी जो है वो फाइनल हो चुकी है और अब उस लिस्ट पर मोहर लगने के बाद शपथ ग्रहण के जरिए उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। लेकिन वो नाम कौन होंगे, ये सबसे अहम सवाल है जिस पर कहीं ना कहीं लगभग हर जगह चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 डिप्टी सीएम होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे जुड़ने वाले हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन के प्रत्याशी जीत करके आए हैं उनको भी इस बार तवज्जो दी जा रही है बीजेपी में, कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ नए विधायक जो हैं उनको भी तवज्जो दी जाएगी और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि युवाओं और महिलाओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी इस मंत्रिमंडल में। तो अब देखना ये होगा कि आखिर कौन है जिसका पत्ता इस मंत्रिमंडल में खुलने वाला है, जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएगा, जिसे उसको 5 साल कार्यकाल में काम करने का, विभाग की जिम्मेदारी संभालने का जो जिम्मा है वो दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में ये जान लेना भी जरूरी है कि कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जिन मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और वो मुद्दे उनके लिए सबसे ज्यादा समस्याओं भरे थे, जो कि किसान का मुद्दा था, पश्चिम का किसान, पश्चिम के जाट की समस्या थी, जिसको लेकर के लगातार विपक्षियों ने कहा था कि सरकार बिल्कुल बेहाल है, बदहाल है इनके सवालों से। और इस बार जाटों की नाराजगी, मुस्लिमों की नाराजगी, अल्पसंख्यकों की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ेगी। लेकिन आखिरी जब नतीजे आए तो पता ये चला कि उन जाट बहुल क्षेत्रों में ज्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत कर आई थी, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ज्यादातर जो सीटें थी उस पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो आखिर उन वोटों को कौन लेकर आया और उन वोटों को जो लेकर आया, क्या उन्हें भी इस बार तवज्जो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। 10 नाम बीजेपी के हारे जरूर हैं, लेकिन उनकी भरपाई कैसे होगी इस पर भी विचार विमर्श, चर्चा चल रही है। और इन सबके बीच में चर्चा ये भी चल रही है कि 2024 का चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए कैसे रणनीति तय करनी है, कैसे जातिगत समीकरण बैठाना है, किसको तवज्जो दी जाए ताकि 24 की जो तैयारी है वो बेहतर और सही तरीके से करी जा सके, पूरी करी जा सके, इन सब चीजों पर चर्चा लगातार हो रही है दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक।
अब इसके बीच में खबर यह भी है कि एमएलसी चुनाव भी हो रहा है विधान परिषद का, उसके भी नामांकन जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और आज कुछ इक्का दुक्का जगह से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि समाजवादी पार्टी के कुछ प्रत्याशी जब नामांकन करने जा रहे थे तो रास्ते में कुछ भाजपा के नेताओं ने उनके साथ मारपीट की, पर्चा छीनने की कोशिश की, ये खबर भी निकल के सामने आई। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले भी हालांकि पंचायत चुनाव में ऐसे दृश्य देखे जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इस तरह का जो दृश्य है वो देखने को यहाँ पर मिला है विधान परिषद के चुनाव के नामांकन के दौरान। इसमें कितनी सच्चाई है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और आखिर ये हुआ क्यों ये जानने की कोशिश करी जाएगी। फिलहाल आज का ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर विकल्प के रूप में बीजेपी ने किन चेहरों को चुना है, किन चेहरों पर मुहर लगने वाली है, और कैसे आने वाले 5 साल में सरकार और विपक्षी दल काम करेंगे, कैसे वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, और विपक्षी कैसे सरकार की कमियों को उजागर करते हुए नजर आएगा। और ये लगभग समस्या सभी के लिए है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बढ़िया मैंडेट मिला है इस बार, पिछली बार से अच्छी खासी सीटें वो जीत कर आए हैं, वोटिंग प्रतिशत उनका बढ़ा है, तो ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के रूप में जब वो उभर कर आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। कांग्रेस की बात करें, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, नए नेतृत्व के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना जो दमखम है वो भी दिखाया है, हालांकि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जो वोट प्रतिशत है उसके आधार पर अनुमान लगाया जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिला है। और अब आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी 5 साल, इस बीच उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा भी लिया है, तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष पर क्या चर्चा हुई है, किसको बनाया जाएगा, कैसे रणनीति तय करी जाएगी, क्या होने वाला है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये बहुत ही सुखद और खुशी का समय है। दोबारा सरकार रिपीट होना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत बड़ी बात होती है, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि इस खुशी में हम भी शरीक हों, और योगी आदित्यनाथ जी का विराट व्यक्तित्व और उस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हों, अमित शाह जी आने वाले हों, हमारे सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हों, तो बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता है, मंडल का जो हमारा कार्यकर्ता है, जिले के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सबकी इच्छा रहती है कि हम उस कार्यक्रम में शरीक बने और उस ऐतिहासिक क्षण का हम भी हिस्सा बने। तो पार्टी ने व्यवस्था की है, सब लोगों को यहाँ बुलाया है, हम सबके लिए आमंत्रण भेज रहे हैं, सबके लिए कार्ड भेज रहे हैं, व्यवस्था हो रही है, और एकाना स्टेडियम में सब कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और व्यवस्थित तरीके से एक ऐतिहासिक क्षण उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। योगी जी महाराज 25 तारीख को शपथ ग्रहण करें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय गृहमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी और जो हमारे राज्यों के, सबको हमने निमंत्रण भेजा है, और विपक्षी दलों के जो नेता है उनको भी हमने आग्रह किया है, सबको आमंत्रित किया है, सम्मान पूर्वक आप आइए, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। लोकतंत्र में ये सब सौहार्द होना भी चाहिए। अखिलेश यादव भी रहेंगे, मायावती जी भी रहेंगे, सबको हमने निमंत्रण भेजा है, और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एक नया कीर्तिमान बना करके उत्तर प्रदेश को नए रास्ते पर और विकास जो चल रहा है उसमें और आगे ले जाने का काम करेगी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, फिर इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा डीपी यादव हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, आरिफ महमूद हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और सुभाष यादव जी जनता संघर्ष मोर्चा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? ठीक है, मैं सबसे पहले सुभाष यादव जी के पास सबसे पहले आना चाहूंगा। सुभाष जी, आज आप ही से शुरुआत करता हूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ सरकार पूरी तैयारी कर रही है अपने शपथ ग्रहण की, पूरे बड़े पैमाने पर निमंत्रण दिए जा रहे हैं, देश विदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ विधान परिषद सदस्यों का नामांकन चल रहा है, और आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मारपीट हुई, पर्चा वर्चा छीना गया है, ऐसी खबरें आ रही सामने,
तो ये क्यों हो रहा है? हालांकि पंचायत चुनाव में भी हमने ये देखने को मिला था, और इतना कुछ हो जाने बाद, फिर से सरकार बनाने के बाद इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, ये कितनी सही है? वाली बात का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल पुराना जो रिकॉर्ड तोड़ा है, इतिहास दोहराया अपना, क्योंकि इसके पहले जितनी भी सरकारें आती थी वो 5 साल के बाद में अपना रिपीट नहीं कर पाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ के वापस से सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर आई है, तो खैर ये काबिले तारीफ है। और जाहिर सी बात है कि उसका शपथ ग्रहण जो होगा काफ़ी भव्य तरीके से होगा, बड़े पैमाने पर होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि एक उनके लिए एक बहुत बड़ी विजय के जैसे है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, किसानों का आंदोलन चल रहा था, उनके गृह राज्य मंत्री के जो बेटे का कांड था अट्टे वहाँ पे लखीमपुर खीरी वाला, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार है, आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ये अपना जो उत्साह करना चाहिए। रही बात MLC चुनाव की, जो विधान परिषद के चुनाव है, तो आप नितिन जी, इसके पहले भी अगर आप देखते आएंगे तो 2007 से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब भी 30-35 सीटें सरकार के, जो सरकार रहती उन्हीं के विधायक चुने हुए जाते हैं। वही रवैया 2012 के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी वही हुआ था, 30-32 उनके विधायक MLC के चुन के आए थे। तो जो ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं MLC के, ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव के अंदर ही होते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं क्योंकि सबको पता है, विपक्षों को भी पता है, सत्ता पक्ष को भी पता है। रही बात MLC चुनावों के अंदर जिस तरीके से पर्चे उनके दाखिल करने से रोका जा रहा है, उन्हें छीना जा रहा है, तो ये मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो इस तरीके की घटनाएं होती है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक तरह से धब्बा है। सरकार को ये चाहिए कि इस तरह की जो अनैतिक घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की जो घटनाएं अराजक तत्व कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबको अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। वो अपना पर्चा अगर दाखिल करने के लिए जा रहे हैं तो उनको वास्तविकता की तरह से उनको अपना पर्चा दाखिल करने की पूरी छूट देनी चाहिए, चुनाव लड़िए स्वस्थ तरीके से। इस तरह की घटनाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो आपने वैसे ही बना ली, बहुमत आपका हो गया, फिर इस तरह की घटनाएं अगर आपके कार्यकाल के अंदर हो रही है तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत है। अच्छा, विपक्ष भी आज, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जैसे कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के अंदर हुए थे, BDC के चुनाव के अंदर हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की परिपाटी ही बनती आई है पहले से ही। जो भी सरकारें आती कहीं ना कहीं अपने सत्ता पक्ष के दबाव के अंदर अपने ही लोगों को चुनकर भेजती है, तो ये तो सबको देखना पड़ेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हम दोष क्यों दें? इसकी पूर्ववर्ती जो सरकारें वो भी दोषी हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुधार करना चाहिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से आग्रह जरूर किया जा सकता है कि वो उसके अंदर कुछ ऐसे सुधार के कदम उठाए ताकि दूसरे राजनीतिक दलों को ये कम से कम रास्ता दिखे कि हाँ, हम स्वस्थ परिपाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा पहले भी होता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, मीडिया के जो कई ऐसे भाई जिनको पता होगा, आप पीछे अगर बैक के अंदर जाएंगे तो 2012 के अंदर भी ऐसा हुआ है। सरकार थी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख, BDC, जिला पंचायत समाजवादी पार्टी के चुन के आए थे। 2007 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तब भी सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के लोग ही चुन के आए थे। तो कहीं ना कहीं ये तो चुनाव सत्ता के हाथ में रहता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ये लोग ज्यादा चुन के आएंगे तो कोई नई बात तो है नहीं। परिपाटी तो पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत की है ना, खराब की है ना, तो अगर ये किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो सबसे पहले इनको भी तो देखना चाहिए था। इन्होंने शुरुआत की थी तो गलती उन्होंने की थी। ठीक है, शाही साहब आवाज मिल रही है आपको? जी। शाही साहब, आप लोग एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों पर चर्चा हो रही है कि इस बार इसको मौका मिलेगा, इस बार उसको मौका मिलेगा, ये बीच में ये नया मामला निकल कर सामने आ गया, आप लोगों ने कुछ MLC के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं, उनका पर्चा वर्चा छीन लिया, मारपीट कर डाली उनके साथ, ऐसा उन लोग का कहना है, वो चुनाव आयोग के दफ्तर भी गए थे सपा वाले। नितिन जी, एकदम जो है, अगर वो लोग गए होंगे तो आरोप लगाते लगाते अब कहीं कुछ करेंगे। अभी देखिए, सुभाष जी कह रहे थे ये परिपाटी पिछली सरकारों ने डाला है, और अगर ऐसा भारतीय जनता, अगर पहले तो ये हुआ नहीं होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया तो मैं निंदा करता हूँ इसकी, कि नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन याद करिए 2012 कन्नौज में क्या हुआ था, सोनभद्र में क्या हुआ था, देवरिया में क्या हुआ था, देवरिया के एक विधायक जो है जिसका नाम अब इस बार हार गए हैं, वो उन्होंने क्या किया था, मतलब ये लगभग जो है 10-15 जिलों में उन लोगों ने किस तरीके से तांडव मचाया था, उसका कोई भी वो नहीं है, पिछला आदमी भूल जाता है। इसलिए इस समय उस पार्टी को चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है, और बहुत कुछ चीजें और बहुत आरोप दिखाई दे रहे हैं, पिछले 2012 में नहीं दिखाई दे रहा था, जो पिछला चुनाव हुआ था इनका। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नितिन जी, वैसे तो ये हुआ नहीं होगा, और हुआ है तो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। सरकारों का चुनाव होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, और चुनाव दोनों पक्ष लड़ेंगे,
यादव पार्टी भी लड़ रही है जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, देखिए कितने यादवों को टिकट दिया है उन्होंने, तो यादव पार्टी लड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण की नीतियों से प्रभावित होकर जनता इनको वोट दे रही है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, ग्राम प्रधान हो, जो लोग भी इसमें वोट देते हो, उनको भी ये लोग जो है भ्रमित करने का और डराने धमकाने का काम करेंगे, नाम लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर। वो सरकार को देखना होगा, शासन प्रशासन को देखना होगा, अगर कोई भी किसी दल का, मैं खुला कहता हूँ, किसी दल का कोई भी अराजक व्यक्ति ऐसी हिमाकत करता है तो उसको शासन प्रशासन को उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रसपा से। डीपी भाई आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। नमस्कार जी, आवाज मिल रही है, बताइए। मैं ये कह रहा था डीपी भाई, एक कहावत, एक बात बार बार कही जाती रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, लठैतों की पार्टी है, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के प्रत्याशियों के हाथों से पर्चे वर्चे छीन लिए गए, मारपीट करी गई, किसने किया भाई ये सब? शाही साहब तो कह रहे बीजेपी वाले नहीं थे वो। देखिये नितिन जी, एक कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आज की जो घटना हुई उदय वीर सिंह के साथ में, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप गुंडों ने उनके साथ ज्यादती की है, उनके पर्चे छीने हैं, तो इसके किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी आप देखिए, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव बीत चुका है और जनता ने समाजवादी पार्टी को, समाजवादी गठबंधन को एक सशक्त और सक्षम जो विपक्ष होता है उसकी भूमिका निभाने के लिए जनादेश दिया है। हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए किस प्रकार से देरी कर रही है, जनता के जनादेश का अपमान कर रही है। अब 25 तारीख को ये शपथ ग्रहण करेंगे। इनके अंतर कलह और इनके अंदर जो एक आपसी मनमुटाव है, ये मंत्रियों के नामों पर विचार नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको भुगतना जनता को। अच्छा, तो इसी को मनाने के लिए दिल्ली लखनऊ वाली बैठक चल रही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैराथन बैठकें चल रही हैं, कभी योगी जी दिल्ली जाते हैं, कभी दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं, कभी मंत्री उनके पास जाते हैं, तो तमाम जो बैठक चल रही है, एक तो इनके जो उप मुख्यमंत्री थे वो स्वयं में चुनाव हार चुके हैं, उनको कैसे एडजस्ट कर रहा है, इनके पार्टी के लोगों ने उनको हराया, किन लोगों ने हराया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस समय एक बहुत खाल में की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था 10 तारीख को उसके पक्ष में जनादेश आया, जल्द से जल्द जनादेश का सम्मान करते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को निपटाती, उसके बाद से एक सरकार बनाती, मंत्रियों को शपथ दिलाती, अपने अपने विभाग में मंत्री काम करते। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि त्योहार में जो होली दीपावली है उसमें जो लोगों को एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। होली बीत चुकी है, अब वो मुफ्त सिलेंडर क्या दीपावली में देगी भारतीय जनता पार्टी? तो होली का त्योहार कैसे लोग मनाएंगे? तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय दिग्भ्रमित है, इस समय मिसगाइडेड है भारतीय जनता पार्टी। अब 25 तारीख को इन्होंने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा है, वो कार्यक्रम निपट गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या करती है आगे उत्तर प्रदेश के निवासियों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन हम गठबंधन के एक पार्टी दल होने के नाते ये मांग करते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, चाहे वो बेरोजगारों से वादा किया हो, चाहे किसानों से वादा किया हो, चाहे मजदूरों से वादा किया हो, चाहे महिलाओं से वादा किया हो, वो जल्द से जल्द पूरा करने का काम करे। और हम सड़क से लेकर के सदन तक इस बात के प्रति गंभीर रहेंगे और चाहेंगे सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाएंगे कि उन वादों को जनहित में पूरा करने का काम करे भारतीय जनता। अच्छा, आज आज जो घटना हुई है उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? सुनने में आया कि आपके गठबंधन के साथी चुनाव आयोग के पास भी गए थे, शिकायत विकायत भी वहां पर करी है, क्या आगे भी इसी तरह की लड़ाई वड़ाई जारी रहेगी जनता के लिए भी? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग देखिए एक लोकतांत्रिक संस्था है, हम चाहते हैं चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है। सभी लोग ये जानते हैं और ये सोचते हैं, तो इस समय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई, क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, शासन को अपने हाथ में ले रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस प्रकार की घटना क्यों हुई, इस पर गंभीरता पूर्वक चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए चुनाव आयोग को। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। प्रदीप जी, बहुत अहम बात कही डीपी यादव ने, ये कि सिलेंडर देने का वादा किया था बीजेपी ने, लेकिन होली बीत गई, सिलेंडर नहीं मिला, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, आप लोग जाएंगे?
सिलेंडर नहीं मिला या ये नितिन जी या नहीं अभी नहीं देखिए 100 दिन भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को हनीमून पीरियड दिया जाना चाहिए एक विपक्ष के राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बयान ठीक है दूसरी बात किसको अपनी सरकार तो ये नहीं कहा है ये तो 5 साल काम कर चुके हैं नई सरकार को एक अपार समर्थन मिला है युवाओं ने समर्थन दिया महिलाओं ने समर्थन दिया एक अपार समर्थन के साथ सरकार आई है और सरकार को पहले सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हो मंत्रिमंडल में कौन आता है कौन नहीं आता ये उनका अधिकार क्षेत्र है वो किसे मंत्री बनाते हैं किसे संतरी बनाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र का मामला है रही बात हम 100 दिन बाद हम ये सवाल करेंगे कि अब सरकार को नई सरकार कम से कम ये हम उम्मीद करते हैं और प्रदेश का युवा भी उम्मीद करता है महिलाएं भी उम्मीद करती अब वो नौजवान बेरोजगार जो नौकरी के नाम पर लगातार 5 साल लाठियां खाते रहे हैं नई सरकार में कम से कम वो लाठियां नहीं खाएंगे नई सरकार में सरकार ये कोशिश करेगी सरकार ये निश्चित करेगी कि अब 250 रुपए लीटर कड़वा तेल ना मिले सरकार ये कोशिश करे कि अब 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल ना मिले सरकार ये कोशिश करे कि 100 से ऊपर डीजल ना मिले युवाओं को रोजगार का जो आपने वायदा किया था और पूरे 5 वर्ष में 12 बांट आपने निकाली और सारी की सारी घोटालों की भेंट चढ़ गई नई सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं अब कोई बांट जो निकलेगी वो घोटालों की भेंट नहीं चढ़ेगी युवा रोजगार मांगने के लिए अगर आपके दफ्तर जाएगा तो उन पर लाठियां नहीं चलेंगी और महिला जब नामांकन करने जाएगी तो उसका चिरहरण नहीं होगा ये कोशिश होकर करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को यह हम उम्मीद करते हैं और 100 दिन बाद एक जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से हम जो सरकार के कामों का आकलन करेंगे उसके बाद अगर कोई कमी नजर आई तो हम सवाल जरूर करेंगे नहीं ये लोग तो अपना मैनिफेस्टो लाए थे तो उसमें भी कह रहे थे कि हम इन सारी चीजों को बहुत सी चीजें नितिन जी हैं लेकिन अभी हम एक जिम्मेदार विपक्ष और एक अच्छे राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है हम 100 दिन नई सरकार को देना चाहते हैं ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आज पर्चा वर्चा छीना गया मारपीट हुई है इस पर कुछ कहना है आपका देखिए आप लगातार ये पहली बार जो सर पिछली सरकार में अभी हमने कहा कि कोई भी महिला नामांकन करते जाते समय उसका चीरहरण नहीं होगा ये बात कहनी होगी नई सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक कहनी होगी और ये जो घटना घटी है इसका भी स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए आरोप लगे हैं तो सफाई भी आनी चाहिए और हमें लगता है कि अभी हम फिर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम 100 दिन सरकार को देना चाहते हैं ठीक है आरिफ महमूद हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं आरिफ भाई आवाज मिल रही है आपको जी जी जी, जी। आरिफ भाई कुछ आपकी पार्टी में कुछ नाराजगी वाला मामला चल रहा है सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी से कुछ बातें नहीं बन रही हैं आप लोगों की और आपके एक नेता ने जिम्मेदार नेता ने प्रदेश के उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कई सारे आरोप लगाते हुए क्या कारण रहा लेकिन नितिन भाई हमारी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं चल रही है हमारे माननीय नेता जयंत चौधरी जी ने चुनाव के बाद पूरी प्रदेश की कमेटी को भंग कर दिया था और इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष हमारे मसूद साहब थे उनको भी भंग कर दिया था और फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो इस्तीफे का कोई मतलब है नहीं वो पार्टी जैसे भी निकाले जा चुके थे और ये कोई मुद्दा नहीं रहा वो तो फिर आदमी जब जाता है तो अपनी अपनी सारी करनी दूसरों के सर मार करके जाता है ठीक है अब ये जो डिबेट जो चल रही है हाँ, ये एमएलसी के चुनाव पर हाँ, एमएलसी के चुनाव पर और शपथ ग्रहण पर कौन किसको जिम्मेदारी दी जाएगी आपको लगता है पश्चिम में जहां एलडी मजबूत थी वहां पे बीजेपी अच्छा करके आई है आपको क्या लगता है किसको जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि पश्चिम का बेहतर विकास हो किसानों की खुशहाली के लिए काम हो देखिए एमएलसी के चुनाव पर आप पहले हम आपको जवाब दे दें एमएलसी पर जो चुनाव चल रहा है जो आज पर्चे की छीना झपटी हुई है जो वहाँ पर पर्चा दाखिल नहीं करने दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चेहरा चरित्र है अच्छा आप जान रहे हैं आपने पहले भी देखा होगा जिला पंचायत से लेकर के ब्लॉक प्रमुखी भी लेकर के जिला पंचायत की अध्यक्ष को लेकर के ये सत्ता में रह करके और जिस तरीके से ये कल बल का ये प्रयोग करते हैं ये इनकी पुरानी आदत है ठीक है और ये पुलिस प्रशासन को आगे करके और जिला प्रशासन को आगे करके ये चुनाव जीतते हैं और इनको देखिए जनता से इनको कोई मतलब नहीं है इनको तो सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है कि हमको किस तरीके से हम चुनाव जीत करके हम बहुमत में रहें ये इनको दिखाना है और बेईमानी करके मक्कारी करके झूठ बोल करके इनको शासन सत्ता पर काबिज होकर के बैठना है अच्छा अच्छा
आरिफ भाई एक चीज थी, सुभाष यादव जी हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उन्हीं से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये परिपाटी चली आ रही है। 2012 में सपाइयों ने भी किया था ऐसा, उसके पहले भी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी ऐसा किया है, तो बीजेपी ने भी वही काम कर दिया। नहीं तो क्या सुभाष जी से पूछिए, क्या ये बीजेपी ने जो काम किया अच्छा किया? अगर समाजवादी ने किया तो जनता ने उनको नकार दिया, तो ये बीजेपी ने जो किया अच्छा किया, इनको कहना चाहिए बीजेपी ने भी खराब किया, बीजेपी को भी नहीं करना चाहिए। नहीं उन्होंने ये कहा कि एक चीज सही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिपीट हो रही है चीजें बस। नहीं रिपीट हो रही है तो आप वो परंपरा ले आइए कि रिपीट ना हो। अभी ये सुभाष जी बोल रहे हैं तो इनसे कहिए कि इसको रिपीट, ये बीजेपी को कंडम करें ना इस वक्त, इनको पिछली सरकारें जो रही वो तो अपनी सजा भुगत करके आ गई, वो तो हार गई, न बहुमत है उनके पास न कुछ है, तो अब ये जो सरकार कर रही है इसके लिए सुभाष जी को बोलना चाहिए ना। ठीक है मैं जवाब ले लूं, आरिफ भाई फिर आ रहा हूं। हाँ शाही साहब क्या कह रहे थे जल्दी बताइए। देखिए नितिन जी, अभी राष्ट्रीय लोक दल के नेता यहाँ पर जो है जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि गुंडागर्दी बदमाशी जबरदस्ती ये वो ये आरोप लगा रहे हैं, इन लोगों को ऐसे आरोप लगाना अच्छा नहीं लगता है। किस मुंह से इनके नेता जो है अपना वोट डालने नहीं पहुंच पाते हैं, इनके नेता छपरौली छोड़ दीजिए तो वहां चुनाव हार जाते हैं, इनका प्रदेश अध्यक्ष जो है क्या क्या आरोप लगाकर इनके ऊपर इस्तीफा देने की बात करता है, इनके विधायक जो है किस तरीके से गुट बनाकर और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, ये अंदरूनी खबर आ रही है। अच्छा ऐसा तो भी कुछ चल रहा है क्या? ये लोग ये एक कहीं खबर उड़ रही है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा विघटन की स्थिति है, ये अपने विधायकों को संभालें, मतलब ये हम जबकि हम पूर्ण बहुमत से हैं सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी इनके विधायक जैसे वो हिलोर नहीं मारता है समुन्द्र का पानी, उस तरीके से विधायक भाग रहे हैं, ये इनके अध्यक्ष पकड़ नहीं पा रहे हैं उनको। अरे तो कहां जिसके अध्यक्ष पकड़ रहे हैं आप, अपनी पार्टी में देख लीजिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अरे भाई मैं आऊंगा, आप शपथ नहीं ले पा रहे हैं। अरे भाई अरे भाई आप लोग समझौता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन मंत्री बनेगा, कहीं 21 तारीख दे रहे हैं कहीं 22 तारीख दे रहे हैं, आप 25 तारीख आपने दे दिया, देखिए 25 को लेकर भी हैं, वो भी आप बढ़ा देंगे। पहले आप लोग अपने गिरेबान में जाके अपने आप में देखें, आप दूसरी की पार्टी दूसरों की पार्टी की तरफ आप मत जाएं। नहीं वो कह रहे हैं कि आपके कुछ विधायक भी इधर उधर डामाडोल वाला मामला चल रहा है। अरे ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले हैं, इनके पास यही झूठों का प्रचार है, झूठ का प्रचार कर करके ये लोग सत्ता में चले आए। कौन विधायक कहाँ जा रहा है आप बताओ, ये चैनल पर बैठ करके झूठ बोलना इनका कोई अधिकार बनता है क्या? अरे सत बोलने क्या कह रहे हैं वो शाही साहब, शाही साहब क्या कह रहे हैं? नितिन जी नितिन जी हम ये कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और 8 विधायक की पार्टी कह रही है कि छोटे लोग हैं, तो मैं नमन करता हूं ऐसे प्रवक्ता को। अरे भाई ठीक है आरोप लगाइए, सब कुछ ठीक है, राजनीतिक आरोप लगाइए इस तरीके का। नितिन जी ये शाही साहब आरोप लगाए था आप लोगों ने लगाया, लेकिन जनता ने आपकी नहीं सुनी, बीजेपी बीजेपी नहीं सुनी सत्ता दल से। मैंने इनको छोटी पार्टी नहीं कहा, ये सुन नहीं पा रहे हैं, मैंने इनसे ये कहा कि ये झूठी पार्टी है, ये झूठे लोग हैं ये। अच्छा झूठे कहा, इनको दूसरे दूसरे पत्र दूसरी पार्टियों पर इसी तरीके का ये आरोप मढ़ने का काम करते हैं। अभी इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कहा, जब उन्होंने खंडन कर दिया अभी खामोश हो गए, उस पर ये नहीं बोल रहे हैं जहाँ हमने झूठा प्रचार किया था। पूर्वांचल तक आरोप लगाने का काम किया आपने समर्थित दलों से मिलकर जिसके साथ आपने गठबंधन किया था, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी एक बार उन लोगों को जनता ने नकार दिया जैसे पीछे नकारा था, वैसे उन लोगों के ये आरोप नहीं समझ में आए। किसानों के नाम पर आप लोगों ने पूरे जो प्रदेश की जनता ने अमित शाह जी और योगी जी मोदी जी की जोड़ी को नकार दिया था, लेकिन आप लोग बेईमानी से पुलिस प्रशासन से आप लोग डीएम को फोन करा करा करके लोगों पर दबाव डाल डाल करके ईवीएम का बदलाव करके आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता को हासिल किया है, ये पूरा प्रदेश जान रहा है। ये सारे आप पहले इसको देखें शाही साहब, ठीक है आरिफ भाई आरिफ भाई ठीक है शाही साहब एक आरोप और लग रहा है डीपी यादव प्रसपा से हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी तारीखें बढ़ा रहे हैं क्योंकि पार्टी में कुछ कलह चल रहा है, किसको सेट करना है किसको सेट नहीं करना है, उसको लेकर के बातें नहीं बन पा रही। और अरे इनके तिरानवे विधायक को लेकर के शाही साहब से पूछा है आरिफ भाई, पता नहीं कहां लापता है, इनसे पूछिए कहां है वो। हां मैं पूछ ले रहा हूं शाही साहब, डीपी यादव ये भी कह रहे हैं कि आप लोग ने कहा था कि सिलेंडर देंगे वो भी नहीं दिया, वो बड़ा दिक्कत है। अरे कुछ नहीं देंगे इन्होंने, इन्होंने राशन भी देना इन्होंने कम कर दिया है 3 महीने के लिए। अरे भाई प्लीज मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ शाही साहब
लेकिन डीपी भाई को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो सरकार का अभी देखिए सरकार बनना और सरकार का शपथ लेना, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, अभी चीजों को हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अवश्य जो वादे हमने किए, चाहे वो बड़े वादे हों, वो दावे नहीं हुए, वो उसकी परिणति में बदले हम लोग। और आज भी जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, डीपी भाई आश्वस्त करता हूं कि हम लोग उसको जरूर बदलेंगे और जल्दी आप देखेंगे इस सिलेंडर जनता के बीच में वो है और हम देने का काम करेंगे, क्योंकि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जो वादे करते हैं उसका रोड मैप लेकर आते हैं, काम कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी हो, वो विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, क्या कहेंगे डीपी भाई, क्योंकि जनता ने इनके सभी चीजों को झुठला दिया। सवाल मेरा ये है कि ये कह रहे हैं अपने हर वादे को खराब कर रहे हैं, उतरेंगे हर वादे पर, इनके पीछे 3 महीने के राशन के लिए इन्होंने ऐलान किया है, उसमें से नमक चना और सरसों का तेल या जो भी तेल ये दे रहे थे एक बोतल, इन्होंने उसमें से हटा दिया, अब खाली ये गेहूँ और चावल दे रहे हैं, ये कौन सा अपना वादा पूरा कर रहे हैं? शाही साहब जी, मैं सुन नहीं पाया नितिन भाई, क्या शाही साहब, आरिफ भाई ये कह रहे हैं कि आप लोग राशन वाशन दे रहे थे 3 महीने का, तो उसमें कुछ नमक तेल खत्म कर दिया आप लोगों ने, बड़ी नमक तेल चना सब खत्म कर दिया, ये कौन सा वादा पूरा कर रहे हैं गरीब जनता से? अरे अभी तक तो आरिफ भाई बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, अभी तक तो हम लोग जो दे रहे थे उस पर आप लोग सवाल उठा रहे थे, नहीं चाहिए नमक आपका, नहीं चाहिए। अरे भाई आपके पास भी अगर राशन कार्ड हो तो आपको अलग से हम दिलवा दिया करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, ये लोगों ने खत्म कर दिया। भाई अगर सरकार हमारी सत्ता में हम लोग हैं, हमने वादा किया है जनता को, हमको जो देना है हम देंगे, हो सकता है कल हम दूसरी चीजें देना शुरू करें, हो सकता है उस कार्यक्रम में कुछ तब्दीली हो गई हो, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, मार्च तक था उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया, ये आपने नहीं कहा कि लोकसभा तक बढ़ा दिया हमने, और नमक तेल जिसका आप विरोध करते रहे, नमक तेल आपको। अच्छा प्रदीप भाई, आरिफ भाई मैं आ रहा हूँ प्लीज आरिफ भाई 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है और ये नमक और चना और सरसों का तेल हटा दिया इन्होंने, ये फिर झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर बैठ करके, आप बताइए। ठीक है, मैं नितिन जी मैं इनको सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत आवाज बहुत धीमी आ रही है। आरिफ भाई का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव तक का नहीं, 3 महीने के लिए आप लोग ने खाली राशन बढ़ाया, आप लोकसभा चुनाव बेफिजूल बोल रहे हैं। अरे आप आने दीजिए, हम बढ़ा रहे हैं लोकसभा तक, कहां आरिफ भाई कहां है, इनको नमक चाहिए, नमक में कहा कि 3 महीने काटते हैं, नमक देते हैं इनको, शासन तो आप ही का है। ठीक है, हम राशन पे फिर चर्चा करेंगे, किसी ध्यान रख लगाए, ठीक है, प्लीज 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 राशन पे फिर किसी और दिन चर्चा हो जाएगी। सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं ये बोलना चाह रहा था जी, जैसे कि आरिफ भाई ने ये बोला था कि सुभाष जी को ये बोलना चाहिए कि जिस तरीके से गुंडों की पार्टी भाजपा है, उसके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने जो कांड किए थे इसकी वजह से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने विदा कर दिया, यानी इन्होंने मेरी बात पे मोहर तो ये लगा दी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, अराजकता वही फैलाती थी 2012 के अंदर जब उनकी सरकार थी, इस बात की इन्होंने पुष्टि कर दी। सुभाष जी बात को मत मोड़िए, आप बात को मत मोड़िए, मुझे समझ में नहीं आता आरिफ भाई आपके जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने शांत चित्त रखती है और आप इतना अशांत क्यों है? सुनने की क्षमता आपके अंदर तनिक भी नहीं है, तनिक भी सुनने की क्षमता आपके अंदर तो बिल्कुल है नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता, सुनने की क्षमता है नहीं, कम से कम अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रेरणा लीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से प्रेरणा लीजिए, जो कितने शांति चित्त है और आप इतने अशांत है, पता नहीं कैसे आपको प्रवक्ता बनाया रेणी ने, सुनने की क्षमता ही नहीं आपके अंदर, सुनने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप ऐलान कर दो कि हम प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आप मत ये कहिए कि हम विश्लेषक है पत्रकार के, बैठ करके बोल रहे हैं हम उनके लिए। नहीं कहाँ पे लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ? आपको अगर बोलने की आजादी तो मुझे बोलने की आजादी नहीं है क्या? आप जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करते हो तो आप ऐलान कर दो। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात क्यों करूंगा? आपको हार हजम नहीं हो रही है, आपको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप अपनी जो खींच है ना खींच, असल में क्या है आरएलडी के प्रवक्ता महोदय, आप अपनी खींच निकाल नहीं पा रहे हो, आपको सिर्फ खींच निकालने की जगह चाहिए और वो खींच निकाल रहे हो आप, हार तो पचा नहीं पा रहे हो, जनता ने आपको नकार दिया, वो हार आपसे बर्दाश्त हो नहीं रही है, तो आपके पास बचा क्या है कि उनको भाजपा का प्रवक्ता बता देना, उनको भाजपा का प्रवक्ता बता देना, मगर आप अरे शेम शेम फॉर यू आरएलडी प्रवक्ता, अरे भाई थोड़ी शर्म करिए, थोड़ी शर्म करिए और सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, झूठ मत बोला करिए, झूठ मैं बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपकी बात सर आंखों में लूंगा, आप बोल रहे हो,
आप नहीं बोला ना कि समाजवादी पार्टी ने ये कांड किए थे इसलिए 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, आपने बात बोली थी कि नहीं बोली? उस पर मैंने कहा था। तो जब आपने ये बात बोली उसी बात को मैं काउंटर कर रहा हूँ, मैं उसी बात को काउंटर कर रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपने जो बोला उसे काउंटर कर रहा हूँ ना। नहीं काउंटर तो नहीं कर रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी वही कार्य कर रही थी तो 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश सरकार क्यों बनाने के लिए निर्देश दिया और आपको विपक्ष में क्यों बिठाया? आप उस चीज के ऊपर गौर कर रहे हैं? आपके एक जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मशहूर आपके गठबंधन के लीडर के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर टिकटों की खरीद फरोख्त हुई थी, अल्पसंख्यकों का अपमान हुआ था, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलोगे? कम से कम आप लोग अपने गिरे बात में जाके मुझे भाषण प्रवक्ता कहने से पहले आप अपने आप को देखिए कि आप लोग कितने सही हैं, आप लोग कितने गलत हैं। सहने की क्षमता आप में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता प्राइम टीवी के माध्यम से देख रही है कि विपक्ष विपक्ष कितना अशांत बढ़ गया है, इसे हार हजम ही नहीं हो रही है। आपको सब सुनने के लिए तैयार है मगर आप एक भाई होकर के आप फिर बीजेपी की आप बात करेंगे उनके पक्ष की? मैंने कहा बीजेपी का पक्ष लिया? कौन सुनेगा? मैंने बीजेपी का पक्ष कहा लिया बताइए जरा मुझे, कहा बीजेपी का मेरे पक्ष लिया? और भी सारे प्रवक्ता बैठे बताइए, आपने बोला था कि नहीं बोला था 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी को विदा कर दिया उसकी प्रवृत्ति की वजह से? आपने बोली बात? मैंने नहीं बोली। हिम्मत है तो आप कहिए ना, क्यों नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ मुझे हिम्मत है, मैं बोल रहा हूँ कि आपने गलत बोला, आप गलत बोल रहे हैं, आपको हार हजम नहीं हो रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हार हजम नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया, उस हार को हजम नहीं कर पा रहे हो आप और सीधे सीधे अनाल का बयान दे रहे हो आप। ठीक है प्लीज, हार को बर्दाश्त करना सीखिए, हार को बर्दाश्त करना सीखिए। ठीक हार को बर्दाश्त करना प्लीज हो गया, हार को बर्दाश्त करना। ठीक है हरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता हरे भाई प्लीज बर्दाश्त करना सीखिए आप। ठीक है हरीफ भाई, बर्दाश्त करना नहीं और सच बोलना सीख लीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्लीज हो गया प्लीज हरीफ भाई। ठीक है आरिफ जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात आप कहिए, गुंडागर्दी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। गुंडागर्दी कर रही होती भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना, आपको क्यों नकार दिया? आप बताइए ना मुझे। नहीं आप मुझे बताइए पहले तो 2022 के अंदर अभी वर्तमान चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी गुंडा करती, अगर उनके शासन में दम नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए दोबारा क्यों चुना और आपको क्यों नकार दिया? नहीं आप सवाल करेंगे, आप सवाल करेंगे, आप सवाल करेंगे ना, आप सवाल करेंगे ना, आप सवाल करेंगे जनता को। ठीक है प्लीज प्लीज हो गया। ठीक है आपके पास सवाल का जवाब? ठीक है ठीक है ठीक है आपके पास भटक गए। ठीक है अरे भाई प्लीज, ठीक है हो गया, हार हजम करिए, हार हजम करिए। जिस प्रकार डीपी यादव जी ने एक्सेप्ट किया, जिस प्रकार प्रदीप जी ने एक्सेप्ट किया कि हम जनता के जनादेश का स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करिए आप। आप तो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे जबकि आप छोटे दल हैं। समाजवादी पार्टी का अपराध अलग दल है जो 111 सीटें लेकर आया है, उसके बावजूद बिना जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कारण यही है, कारण यही है उत्तर प्रदेश ने आपको क्यों नकारा। ठीक है हरीफ भाई, ठीक है प्लीज 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 ठीक है नहीं आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, डीपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी भाई शाही साहब, ठीक है डीपी भाई से मैं अभी थोड़ी देर में जुड़ूंगा, प्रदीप जी से मैं आता हूं जुड़ता हूं। प्रदीप जी आपने सुना शाही साहब ने कहा कि हम धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं उन्हें उत्तर प्रदेश में फिर से लागू करेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये जवाब दिया कि जो लोगों को जितनी भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर इस बार सरकार खरी उतरती हुई दिखाई देगी। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर उन अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि आप लोगों ने 100 दिनों का समय उन्हें दिया है, अगर उसके बावजूद चीजें बेहतर नहीं हुई उत्तर प्रदेश की, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए शाही जी ने अपनी बात कही और सवाल तो हम अभी भी कर सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो वादा इन्होंने किया था, 5 साल इन्होंने सरकार चलाई थी, चाहे रोजगार के मामले पर रही हो, चाहे महंगाई के मामले पर रही हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले पर रही हो, सवाल उठाए जा सकते हैं और उठाए जाओ, लेकिन फिर हम ये कह रहे हैं कि हम इस नई सरकार, नई चुनी हुई सरकार को 100 दिन का समय दे रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि अफवाहों का बाजार गर्म है, कुछ राजनीतिक दल के कुछ विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ रहे हैं बाजार, लेकिन इन्होंने उन अफवाह उस अफवाह को दबाया है कि श्री मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो मुलाकात हुई है वो कहीं जो चर्चा निकल कर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी देश का चेहरा बनने जा रहे हैं, ये आईएएस अफवाह को शाही जी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शाही जी भी जानते हैं, हृदय से जानते हैं योगी जी 2024 का
देश का चेहरा होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यही झगड़ा आपस में चल रहा है, इसलिए शपथ ग्रहण में देरी हो रही, तमाम चीजों बातें मंत्रिमंडल में कहीं कुछ नहीं हो रहा। देश का चेहरा मतलब पीएम योगी जी जो चाहेंगे मंत्रिमंडल वही होगा, कोई दूसरा व्यक्ति इसको तय वय नहीं करेगा, क्योंकि तय इन्होंने मुख्यमंत्री पद भी सिन्हा साहब से दोपहर तक उत्तर प्रदेश ने सिन्हा साहब का इंतजार किया था, लेकिन योगी जी ने अपने लठ के दम पर मुख्यमंत्री की सीट ली थी। और अब मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को दरकिनार करने का साहस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास नहीं है। वो डर रहे हैं कि ये चेहरा संघ और श्री आदित्यनाथ योगी जी के बीच में जो वार्ता हुई है उसके पीछे जो से निर्णय निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अफवाहों का बाजार गर्म है, योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का 2024 में चेहरा बनने जा रहे हैं। अच्छा, शाही साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, दो बातें प्रदीप भाई ने कही। पहली बात जो उन्होंने कहा कि हम मुद्दा बना सकते हैं, 100 दिन का समय है, अभी हनीमून टाइम दे रहे हैं, अच्छी बात है, आभार आपका। लेकिन जो जो मुद्दे आपने उठाए जनता के बीच में, आप लोग गए, जनता उसको समझ नहीं पाई। 6% से आपको 2% पर ले आई, ठीक है, कुछ जनता इनके साथ समाजवादी पार्टी को समझकर उनका और परसेंटेज बढ़ाई, लेकिन 111 सीटों पर सिमट कर रह गए। अभी हमारे अन्य दल हैं जो 16 सीटों पर लड़े, वो 12 सीट जीते, आरएलडी 33 पर लड़ी, वो 8 पर जीती। तो ये जनता ने नकारा है विपक्ष को, विपक्ष को नकारने के साथ एक चीज और हुई है कि जो हम कहते थे जनता ने उस पर भरोसा किया है और हमने उसको पूरा करने की बात की। इन लोगों ने हर चीजों पर उठाया, चाहे वो क्या टीकाकरण का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना के समय का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, सभी मुद्दे उठाए और सब लोग लेकर ये जनता के बीच में गए। लेकिन जनता ने अपने आप को सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के साथ समझा कि रोजगार भी देंगे हमको, सुरक्षा भी देंगे हमको, स्वास्थ्य भी देंगे, तो वो हमारे साथ आया और प्रचंड बहुमत दिया। दूसरा पक्ष इन्होंने जो कहा कि अपने अफवाहों की बात, देखिए प्रदीप भाई, सर संघ जो बैठक गोरखपुर में हुई है संघ के चाहे, वो शीर्षस्थ नेता है, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो मार्गदर्शक हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के नेता हैं। हम आज जो है केंद्रीय नेतृत्व के सामने, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व खड़ा नहीं है, यहाँ पर संघ के प्रमुख हैं हमारे सामने, उनका आशीर्वचन और मार्गदर्शन लेने हम जा रहे हैं। आदरणीय कर्मियों की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बने, उस दिन से लोग उनको हटा रहे हैं। ये ठाकुरवाद है, ये ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों ने 89% वोट दिया है और राजपूतों ने 87% वोट दिया है, ये भी देखने वाली बात है। अमित शाह जी से लड़ाई है, मोदी जी से लड़ाई है, कल आए थे, इनको भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, दिल्ली बुलाया गया, ये सारी अफवाहें धूल धूसरी हुई, कोरी कल्पना हुई। लेकिन बड़े मजबूती से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आज कहीं दो राय नहीं है कि केंद्र में योगी मोदी जी हमारे नेता हैं, शीर्षस्थ नेता, और वो बने रहेंगे, और आज उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी नेता हैं, ठीक है, हम लोग उनके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, तो प्रदीप भाई ऐसी कोई, प्रदीप भाई कुछ कह रहे हैं, शाही साहब एक बार सुन लेते हैं। हाँ प्रदीप जी, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल सरकार चलाई में, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा चेहरा है, इससे किसी ने क्या इनकार किया? क्या मोहन भागवत जी से श्री योगी आदित्यनाथ जी मुलाकात करने जाएं, इस पर किसी को आपत्ति है क्या? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो चीज आप छिपा रहे हैं साईं जी, आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं, और सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ जी 2024 में भारत में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनने जा रहे हैं, जो चीज आपका शीर्ष नेता तो हजम नहीं कर पा रहा है। और बार बार हम ये कहते हैं कि अफवाहों की बात जब आप कहते हैं, हाँ निश्चित तौर पर आपको अपार जन समर्थन मिला है, और इस जनादेश का कांग्रेस पार्टी हृदय से सम्मान करती है। हमने कभी नहीं कहा आपसे कि आपने, आप जरूर बात आपकी कह सकते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज घटा है, हमारी सीटें घटी हैं, तो हम उस दौर को भी कहते हैं, उस समय भी हमने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था, जब भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों वाली पार्टी हुआ करती थी। हमने कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया है और आगे भी हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस स्वभाव के लोग नहीं हैं। हम निश्चित तौर पर, अभी हमने जब कहा 5 वर्ष की बात कही, तो ये एक प्रचंड बहुमत के साथ, क्या बेरोजगार नौजवान पर चलती लाठियां मुद्दा नहीं है क्या? क्या आप बताइए कि 5 वर्ष तक की सरकार में 12 बांट निकली, 12 को 12 घोटालों की भेंट चढ़ी नहीं क्या?
क्या आप क्या पर्चे बाहर दिखाई पड़ते हुए नजर आए कि नहीं? नौजवान जब आप मुख्यमंत्री आवास पर या विधानसभा पर अपनी मांगे लेके गया तो उन पर लाठियां चली कि नहीं चली? जब महिला अपना नामांकन करने गई तो उसकी साड़ी खींची गई कि नहीं खींची गई? क्या आप बताइए, उन्नाव के बलात्कारी नेता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें संरक्षित करती नजर आई कि नहीं नजर आई? क्या हाथरस की बेटी के साथ अन्याय अन्यायों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नजर आई कि नहीं नजर आई? हम और इतना ही नहीं, हम और भी तमाम चीजें हैं जिन पर हम बैठे, लेकिन आज ये समय नहीं है। हम फिर ये कहते हैं, हम आपको 100 दिन का पूरा समय देते हैं, 100 एक नई सरकार से अपेक्षा करते हैं जितना अपार समर्थन आपको मिला है उतनी ईमानदारी के साथ उतनी जिम्मेदारी के साथ आप डिलीवर करेंगे और प्रदेश की जनता आपसे यही अपेक्षा करती है। और विपक्ष के एक राजनीतिक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम भी आपसे यह अपेक्षा करते हैं 100 दिन बाद हम आपसे आप अगर आप कहीं अपने वादों पे और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे तो हम निश्चित तौर पर आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, टीपी यादव आपसे बार बार संपर्क टूट जा रहा था, जल्दी से अपना सवाल पूरा कर लीजिए फिर मैं शाही साहब के पास करूंगा। डीपी भाई ये कह रहा था, शाही साहब बिल्कुल नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भाजपा ही नहीं है, वो कुछ और लोग हैं, और आरोप ये जो आप लोग लगा रहे हैं बिल्कुल फर्जी है, निराधार है। देखिए नितिन जी, शाही जी और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, वो ये थोड़ी ना कहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। आखिर किसकी हिम्मत हुई ये बताइए इस तरह का कुकृत करने का है, यह किसकी जिम्मेदारी है? शासन प्रशासन की नहीं है? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक इनके एक बहाना है कि अभी सरकार बनी नहीं है, हो सकता है वो कोई गुंडे हो, तो ये क्यों नहीं जल्दी से जल्दी सरकार बना रहे हैं? आखिर किस प्रकार के वो गुंडे थे, कहां से आए थे, कौन थे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये चुनाव आयोग की है और सरकार की है। यहाँ पर अभी देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे डिबेट कर रहा हूँ नितिन भाई, सुन लीजिए। और लखनऊ का ये हाल है, बिजली कट गई है, मैं अंधेरे में डिबेट कर रहा हूँ, इसीलिए कलेक्टर बार बार जा रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? शाही जी को मेरा चेहरा, ये षड्यंत्र है आपके खिलाफ, ये बताइए षड्यंत्र नहीं है? ये बताइए, मेरे यहाँ तो बिजली आ रही है शानदार, मैं एकदम उजाले में चमक रहा हूँ। हारने वाली पार्टी का यही हाल होता है, बिजली भी कटवा, हाँ बिजली भी कटवा देंगे, क्या कार्य लेगी? हाँ बिजली बिजली कटी हुई है और मैं फ्लैश लाइट में मोबाइल के आपसे डिबेट कर रहा हूँ। अच्छा शाही साहब एक चीज और कह रहे हैं, डीपी भाई एक बात और वो कह रहे हैं कि आपके गठबंधन, अभी पूरी गर्मी नितिन भाई, अभी पूरी गर्मी शुरू नहीं हुई है, अभी एक मार्च का लास्ट चल रहा है, महीने का, मार्च महीने का, अभी मई जून अप्रैल सब बाकी है, लेकिन बिजली व्यवस्था का क्या हाल है लखनऊ में, आप शाही जी से पूछिए इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अच्छा एक चीज और है डीपी भाई, डीपी भाई शाही साहब ये कह रहे हैं कि गठबंधन के कुछ जीते हुए विधायक जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं और बीजेपी के संपर्क में है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब अपनाएगी विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए, लेकिन मैं इनको आश्वस्त कर दूं, गठबंधन का कोई भी विधायक कहीं भी नहीं जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत दिया सरकार जनता ने, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये नसीहत भी दिया है कि आपके 56 विधायक कम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 11 इनके मंत्री हार गए चुनाव, स्वयं उप मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मुगालते में या बरबोलेपन में न रहे, जनता ने इनके ऊपर लगाम लगाने का भी काम किया है और समाजवादी गठबंधन को एक लोकतंत्र के सशक्त प्रहरी के रूप में ये जिम्मेदारी भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं जनता से, चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा हो, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, चाहे वो अनाज देने की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो टीईटी परीक्षा कराने की बात हो, चाहे वो लोकसेवा आयोग की भर्तियों को भरने की बात हो, सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी है और जितना जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी को इनको पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी को बहाना नहीं करना चाहिए, ना कि विपक्षी दलों के घरों को तोड़ने की, उनके विधायकों को मिलाने की। अरे क्या 255 विधायक कम है आपको सरकार चलाने के लिए कि आपको इधर उधर ताका झाकी करने की सोचना पड़ रहा है? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ शाही साहब जी। देखिए डीपी भाई, एक तो पहले बात बता दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जिला पूछकर बिजली नहीं आती है। आप शायद हार गए हैं तो बिजली विभाग को पता चल गया, थोड़ा देर अंधेरा कर दो डीपी भाई, थोड़ा कम बोले चेहरा जो, लेकिन मैं आपको बड़े प्यार से देख पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ आपके वाले, चलिए ठीक है। दूसरी बात, बिजली गई होगी, डीपी भाई सुन लीजिए,
तो आप हमको अंधेरे में रख के उत्तर प्रदेश के वासियों को क्या सजा दे रहे हैं? आप कहिए तो मैं अपने घर की बिजली स्वयं कटवा दूंगा, अंधेरे में डिबेट करूं, मेरा चेहरा देखे भी आ गई लाइट आ गई, देखिए आ गई, अरे चमक गए और चमक गए। देखिए डीपी जी ने, डीपी भाई ने जैसे शिकायत करी बिजली आ भी गई, आ भी गई, देखिए कितने मिनट गई है नितिन जी, आप देखिए कितने सेकंड मिनट गई है। और इसीलिए ये लोग बौखलाए क्यों? योगी आदित्यनाथ जी कोई काम करते थे, मोदी जी कोई काम करते थे, तो ये लोग बौखला जाते थे। और हम 56 सीट कम हुए हैं, ये लोग 156 से ऊपर कम हुए थे 2017 में, उसका भी कम से कम देखिए भाई, हम लोगों ने तो 56 सीट कम करके कुछ एकदम अपना प्रचंड बहुमत बरकरार रखा, और आप लोगों ने प्रचंड बहुमत खो दिया जो आप सरकार बनाए थे। चलिए खैर उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर करूंगा नितिन भाई आपके माध्यम से डीपी यादव जी को, प्रदीप भाई को, अरे सुन लीजिए डीपी भाई, आने वाले दिनों में 5 साल हमको जनता ने आशीर्वाद देकर फिर से दोबारा यहाँ पर बुलाया है और बहुमत देकर बुलाया है। हम जनता के हर आशा पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो प्रदेश बीमारू प्रदेश था उसको हम लोगों ने सही करने का काम किया है, अब उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक तरफ देखिए हम लोगों ने किस तरीके से एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया, दूसरी तरफ अब हम लोगों ने जो एमएसएमई और अन्य उद्योगों के माध्यम से जो काम अधूरा रह गया है उसको इसमें बढ़ाने का काम करेंगे। रोजगार अभी सरकार आई नहीं है, पुलिस की भर्ती और शिक्षक की भर्ती का वो निकलना शुरू हो गया है, अभी रोका गया है कि और भी भर्तियां उसमें बढ़ाई जाएंगी। तो ये सारे काम जो प्रमुख हैं, ये हमारे लिए भी मुद्दा है, आपके लिए भी मुद्दा है, और आपसे और हमारे और बस आ गया हाँ। प्रदेश के लोगों का। शाहिद साहब आरिफ भाई कुछ पूछ रहे हैं, हाँ आरिफ भाई बताइए जी। शाहिद भाई मैं आपके बात से चलिए मैं सहमत हो रहा हूँ कि आप 5 साल सरकार चलाएंगे। अच्छा इस बात से सहमत है क्या कि आपके कुछ विधायक भी आ रहे हैं इधर? इसके यार ये तो सब शाहिद भाई बिलावजे का शरीयत ना करें, केशव प्रसाद मौर्य जी को देखें, जिसको योगी जी वगैरह ढूंढ रहे हैं, शपथ नहीं ले पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, हमारे गठबंधन के संपर्क में है, पहले इसके बारे में बतावे साहिब भाई। और रहा सवाल, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये 5 साल आपने जो वादा किया अपनी मैनिफेस्टो पर, इसको तो आप कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे, जो पिछला मैनिफेस्टो आप झूठ बोल करके चले आए थे 75 लाख नौजवानों को रोजगार दे देंगे हम, और महिलाओं को हम सम्मान दे देंगे, महिलाओं को तो सम्मान पिछले 5 साल में आपने दिया नहीं। आप हाथरस का कांड देख लीजिए, उन्नाव का कांड देख लीजिए, और जिला पंचायत में आपने महिला की साड़ी खींची। मैं सुभाष जी से कहूंगा इसको कंडम कर दें कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती, ये शब्द कह करके कर दें, तब तो फिर हम सुभाष जी का भी हम स्वागत करेंगे। और देखिए पिछला मुद्दा पूरा अभी भी बाकी है, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौकरियों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महंगाई के लिए। नहीं नहीं सुन लीजिए नितिन भाई, ये समय कम है ना तो थोड़ा जल्दी से, मुद्दे उसी तरीके से हैं, हम लोग इस मुद्दे को खत्म नहीं करेंगे, ये मुद्दा बना हुआ है, आज भी वो मुद्दा हम लोग लेकर के सड़कों पर आएंगे, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इनसे कहिए नितिन भाई, नितिन भाई सब लोगों से पूछिए कि कितना ये सड़कों पर 5 साल में उतरे हैं, जरा बताइए कहाँ दिखे हैं आरएलडी वाले? तो कोई उतरता था तो आप लोग लठियाते थे, तो कैसे उतरेगा कोई? कहाँ दिख गए भाई, उतरने में लठियाए जाते थे, कहाँ उतरेंगे? आरएलडी वाले वहाँ दिखे हैं जयंत चौधरी जी, जहाँ पर आप उस मासूम बच्ची की जिसकी हत्या कर दी गई थी, आपने 12 बजे रात में मानवता की हद पार करके आपने क्रोसीन जला करके उसको जला डाला, मार डाला, आप लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पर खड़ा हुआ था, आपको दिखाई नहीं दिया। 5 साल में एक आंदोलन, लोगों को नहीं देख पाएंगे 5 साल में एक आंदोलन, एक आंदोलन नहीं सैकड़ों आंदोलन, किसान का आंदोलन, बताइए भाई, एक तो बता दिया आपने, दूसरा बताइए, कहते थे जिस किसान को, एक और बताइए जिसके लिए आप लोग सबको बहुत दिनों बताइए, एक और पर खड़े होकर के उनके साथ हम किसानों के साथ, एक और बताइए, आप लोग झूठ बोलना बंद करिए, ठीक है प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है मेरे पास, गुमराह मत करिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुभाष जी क्या कहना चाह रहे थे लास्ट में? जी मैं जो हमारे आरिफ भाई हैं आरएलडी के प्रवक्ता आसिफ भाई, इन्होंने जो बोला कि उनका कंडम करना चाहिए, चलिए मैं एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ कि ये जो हाथरस की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उसके बावजूद भी विपक्ष को नकार दिया। यानी तो ये कांड सही किया इन्होंने, अगर नकार दिया जनता ने तो इन्होंने जो कर्म किए वो सही किए, ये अरे भाई आप सबर कब करेंगे बताइए, आप बोलने के लिए बोलते उसके बाद बोलने में नहीं देते। सुभाष जी आप देखिए बात मत घुमाइए, मैं आपसे एक मैंने बोला ही नहीं तब तक बात मैंने कब घुमा दी? नहीं मैंने बोला ही नहीं तब तक बात कब घुमा दी मैंने? देख लीजिए नितिन जी,
नहीं वही मुझे बोल रहे हैं, जब मैं बोलता हूँ तुरंत मुझे रोक देते हैं। ये ठीक है बहुमत में। अरे भाई बोल लेने दीजिए, देखिए शायद कुछ आपके पक्ष का जवाब हो। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। हाँ अरे भाई बोल लेने दीजिए, आपके जब बोलने की बारी आती है तब मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूँ, तो उसी प्रकार जब मेरे बोलने की बारी आती है तो कम से कम आपसे शांतिपूर्वक सुने तो सही। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से कम से उनकी शांत चीज तो देखें कि कितने शांत चित्त हैं। मैं बोल लूँ उसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा। कंडम करने की बात आप जो मुझे बोल रहे हैं, तो आप लोग उत्तर प्रदेश की जनता को ये भरोसा क्यों नहीं दिला पाए कि भारतीय जनता पार्टी शासन के अंदर सक्षम नहीं है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी उसकी नाकामी थी आप जनता को समझाने के अंदर क्यों विफल हुए? अच्छा सुभाष जी तो ये बताओ, आप अपनी नाकामियों के लिए भी थोड़ा सा मंथन करिए। जो महिला की साड़ी खींची गई थी ये कांड करके इन्होंने जनता को क्या विश्वास दिला दिया है क्या? आप कहिए कि ये गलत किया इन्होंने। क्या हुआ? आप तो कह रहे नामांकन के दौरान जो साड़ी खींची गई थी या फिर वो हाथरस की जो घटना थी क्या वो सही थी? भाई मैं समझता हूँ कि आप मेरे वरिष्ठ भी हैं, उम्र दराज भी हैं और बहुत पहले से पार्टी में जुड़े हुए हैं। जिस महिला की साड़ी खींची गई क्या ये कांड करके इन्होंने जनता पर विश्वास अपना कायम कर लिया है क्या? आरिफ भाई लगता फिर आपने शुरू में सुना नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि ये परिपाटी जो थी आपके गठबंधन की सरकारों ने शुरू की थी। हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर ये चीजें हो रही है, सुनते नहीं हो आप? सुनते नहीं हो ना? ठीक है सुनते नहीं हो? ठीक है चलिए समय कम है मेरे पास, आपकी कमी यही आप सुनते नहीं हो? ठीक है प्लीज सुन नहीं हो आप? फिर वही बात, जब बात बोलने का मौका नहीं, हार को हजम ही नहीं करने देते जब बोलने का मौका ही। चलिए ठीक है प्लीज आरिफ भाई प्लीज, ठीक है समय कम है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह होना है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहीं ना कहीं सरकार काम कैसे करेगी इस पर कहीं जनता के साथ साथ जो विपक्षी दल हैं उनकी नज़र बनी रहेगी, और इसके अलावा विपक्ष के ऊपर जनता की नज़र बनी रहेगी कि क्या सरकार की कमियों पर विपक्षी दल बड़ा आंदोलन करते हुए कमियाँ गिनाते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल 25 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, भव्य तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह को कराया जाएगा, लेकिन उसके पहले विधान परिषद चुनाव में जिस तरह से आज काफ़ी कुछ देखने को मिला है उससे साफ साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी जो राजनीति है वो काफ़ी गरमाई हुई है और अभी से उसका जो नज़रिया है जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, हम इसी तरह से खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।